हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सीआईडी ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इजी गोदरेज इजी का रिव्यू करने वाले हैं, जो बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स हमारे कपड़ों के लिए, ऊनी कपड़ों के लिए। और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसकी पैकेजिंग, यूजिंग और इसके इफ़ेक्ट क्या है और बेनिफिट क्या है, सब इसमें हम कवर करेंगे। तो इस तरह देखिए, सील था, इसको मैंने धीरे धीरे खोला है। तो इस तरह से देखिए, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव फूल है फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसका बॉटल देख ही सकते हैं। और इसकी एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही कम प्राइस में भी उपलब्ध है। स्टार्टिंग इसके पाउच 5 रुपीस में भी आप लोगों को अवेलेबल हैं। और ये बहुत ही क्लीन वॉश करता है हमारे ऊनी कपड़े को। इसका MRP हम देख लेते हैं, तो ये मुझे 205 रुपीस में मिला है। और ये लॉन्ग लास्टिंग, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 ईयर्स तक होती है फ्रेंड्स। इसे हम बकेट में, वॉशिंग मशीन में दोनों तरह से धो सकते हैं। गोदरेज इजी से हम ब्लैंकेट, शॉल, सिल्क, सीफोन इत्यादि कपड़े, बहुत सारे कपड़े हम ऐसे भी धुल सकते हैं। और नेट के जो हमारे कपड़े होते हैं वो धुल सकते हैं। तो ये मेरा, ये देखिए ऊनी कपड़ा है, इसे भी मैं इजी से ही धुलूँगी। इसमें थोड़े थोड़े दाग लग चुके हैं, ये देखिए। तो इसे मैं वॉश करने जा रही हूँ, तो मैं ये भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, इसे कितने मिनट तक हमें पानी में रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 2 लीटर पानी ले लिया है, ऊनी कपड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसे खोल रही हूँ। अभी मैं एक ढक्कन पूरे भर कर लूँगी इस तरह से, ये देखिए। मेरे पास एक ही कपड़े हैं, इसलिए मैंने 2 से 3 लीटर पानी लिया है। और इसमें मुझे घोल देना है इस लिक्विड को इस तरह से, देखिए इसमें झाग निकल चुका है। इसे हम इस तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारा लिक्विड हमारा मिक्स हो जाए। और रियल में ये कपड़े को बहुत ही चमकदार, स्मूथ और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तक रखता है। इसमें रोमे वगैरह नहीं आते हैं इससे धुलाई करने से हमारे कपड़े में। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करिए। और इसे मुझे 8 से 10 मिनट तक भिगो के ही रखना है इस तरह से, ये देखिए। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। और आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हल्के हाथ से हमें जहाँ हमारे दाग लगे हैं उसे साफ़ कर देना है इस तरह से, देखिए। हमारे गंदे कपड़े के जो पानी है वो निकल चुका है। और इस तरह से हमें साफ़ पानी में, जैसे कि हम कपड़े को धुलते हैं साफ़ पानी में, इस तरह से हमें इसमें खंगाल लेना है साफ़ पानी से। और ये इसे यूज़ करना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। और इसे पोर करके हमें फैला देना है हल्की धूप में या छांव में, ताकि हमारे कपड़े की चमक बनी रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।